इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दौरा रद्द करने के बाद भड़क उठे पीसीबी अध्यक्ष रमेश राजा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को लगा डाली बड़ी फटकार। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पिछला कुछ समय बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। पहले न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज शुरू होने से कुछ समय पहले ही अचानक दौरा रद्द कर दिया और अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने भी पाकिस्तान का अपना दौरा रद्द कर दिया है। इंग्लैंड की महिला और पुरुष टीम को अगले महीने अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन ईसीबी ने अब अपनी दोनों टीमों को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला लिया है। ईसीबी का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष रमेश राजा को बिल्कुल नागवार गुजरा है और उन्होंने अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम को धमकी दे दी है। एक रिपोर्ट के हवाले से आई खबर के मुताबिक रमेश राजा ने कहा है कि अब तक T20 वर्ल्ड कप में हमारे निशाने पर सिर्फ भारत था, लेकिन अब हमारे निशाने पर दो और टीम हो गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा रद्द करके अच्छा नहीं किया है और हम इसका बदला मैदान पर लेंगे। यह हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि जब हम इन दोनों देश की यात्रा करते हैं तो हमें सख्त क्वारंटीन से गुजरना पड़ता है और हम उनकी नसीहतों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसमें एक सबक है। उन्होंने कहा, अब से हम उतना ही आगे बढ़ेंगे जितना हमारे हित में है। आप सुरक्षा खतरे और धारणा के आधार पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। गुस्से की भावना थी क्योंकि पहले न्यूजीलैंड अपने सामने आने वाले खतरे के बारे में जानकारी साझा किए बिना दौरे से हट गया और अब इंग्लैंड, लेकिन इसकी उम्मीद थी। बता दें कि इंग्लैंड की महिला और पुरुष टीम को पाकिस्तान टीम के साथ रावलपिंडी में 13 और 14 अक्टूबर को दो T20 इंटरनेशनल मैच खेलने थे। इंग्लिश महिला टीम को साथ ही 17, 19 और 21 अक्टूबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी थी। ईसीबी ने हालांकि कहा है कि 2022 में मेंस फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का दौरा करने के लिए उसकी लंबी प्रतिबद्धता थी, क्योंकि उसने अक्टूबर में दो अतिरिक्त T20 वर्ल्ड कप वार्म अप गेम खेलने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें डबल हेडर के साथ पुरुष टीम के साथ महिला टीम का भी दौरा शामिल था। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।